हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट आलू की चटनी। दोस्तों, आपको पता है कि आलू की चटनी कैसे बनाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको एक राज की बात बताऊंगी कि स्वाद को और ज्यादा बेहतर कैसे बनाएं। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको दो प्याज लेकर उन्हें छोटे पीसेस में काट लेना है। उसके बाद थोड़ी ज्यादा मात्रा में धनिये के पत्ते लेने हैं और उन्हें बीच में से कट कर लेना है। अब हम 6 से 7 गड्ढा पत्ते के पत्ते ले लेंगे। अब सबसे बढ़िया चीज के हमें हरी मिर्च की चटनी लेनी है, जो हम घर में ही बनाते हैं। बस आपको इस चटनी में हरी मिर्च और लहसुन तवे पर तलकर इसका पेस्ट बनाना है। अब हम आधा आधा चम्मच जीरे और राई ले लेंगे। अब आपको 5 से 6 आलू को उबाल कर उनके छिलके निकाल लेना है और उन्हें ट्रायंगल शेप में काट लेना है। अब हम गैस जलाकर उस पर कढ़ाई रख देंगे। फिलहाल हम गैस की फ्लेम फूल ही रखेंगे। थोड़ी देर बाद हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। थोड़ी देर बाद हम उसमें राई और जीरे डालेंगे। उसके बाद हम कढ़ी पत्ते डालेंगे। अब हम कटी हुई प्याज कढ़ाई में डालेंगे। अब सभी मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर ले। याद रखें कि प्याज लाल होने तक हमें उसे पकाते रहना है। मिक्स करने के बाद हम उसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी के बाद हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। उसके बाद हम 2 चम्मच हरी मिर्च की चटनी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम सभी आलू कढ़ाई में डालेंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसे अच्छे से पकने दे। पकने के बाद आप इसके ऊपर धनिये के पत्ते डाल दे और गैस को बंद कर ले। तैयार है आपकी स्वादिष्ट और नमकीन आलू की चटनी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।